आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म्य के 8वें अध्याय को सुनते हैं। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित चार दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं, जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक उनका पूजन करे। हे राजन, तुलसी की जड़ के समीप चार रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्णपत्र तथा पंच रतन से युक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करे। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। राजन, इसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करे। प्रातःकाल स्नान में देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। हवन की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और उन्हें दक्षिणा दे। फिर इस प्रकार उनसे प्रार्थना करे कि हे ब्राह्मण देवता, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। उसके पश्चात घरवालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। राजन, भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। राजन, जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वह धन्य और पूजनीय है। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। इतना कहकर आज के 8वें अध्याय को समापन करते हैं। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।